가까워 복심자 한문어 칼날이네. অপোজিশনের একটা অংশ থেকে এটাও শোনা যাচ্ছে যে নির্বাচনের আগে আপনি রাজ্যের নায়ক ছিলেন নির্বাচনে, কিন্তু নির্বাচনের পর কোথাও ওনারা আপনাকে খলনায়ক বলতে চাইছেন, কারণ আপনি একটা ভোট ডিভাইডেশনের ফলে অপোজিশন সরকারটাকে পরিবর্তন করতে পারেন, ভোটটা ডিভাইড হয়ে গেছে। কিউ জিতা ইলেকশন? জিতেন্দ্র চৌধুরী ইলেকশন মে কিউ জিতা? আপ ইয়ে বাত ইয়ে জো ইয়ে অফিশিয়াল লাইন নহীं है। देखिए मैं जानता हूं कि हर पार्टी में कुछ कुछ एलिमेंट्स होते हैं। सीपीएम का ये ऑफिशियल लाइन नहीं है, कांग्रेस का ये ऑफिशियल लाइन नहीं है, बीजेपी का भी ये ऑफिशियल लाइन नहीं है। मेरा हर अधिकार बनता है टू गो एंड फाइट इन सुरमा। कहीं में लिखा है कि आई डोंट हैव अ राइट टू फाइट इन सुरमा। मेरा हर अधिकार बनता है टू गो एंड फाइट इन मजलिशपुर। मेरा अधिकार बनता है मोहनपुर में फाइट करने के लिए। ये क्या सिर्फ कहीं में लिखा गया है कि यहाँ में कोई रीजनल पार्टी नहीं फाइट कर सकती? और ये बात क्लियरली मानना पड़ेगा कि हिंदू बंगाली वोट इस बार ज्यादा, आपका सर्वे बता रहा, मैं नहीं बता रहा हूँ, हिंदू बंगाली वोट पश्चिम बंगाल में ज्यादा बीजेपी को गया, मुस्लिम वोट ज्यादा ममता को गया, त्रिपुरा में सेम ज्यादा बीजेपी को गया है, एंड माइनॉरिटी वोट ज्यादा गया है टुवर्ड्स सीपीएम एंड कांग्रेस, और ट्राइबल वोट्स मेरे पास आया है। और आप मुझे बताइए जो जो सीट्स में, आप लोग तो जर्नलिस्ट है, आप लोग प्लीज अपना सर्वे कीजिए, जो जो सीट्स में ट्राइबल के सीट्स में हम लोग हारे हैं, वहां में क्या ये बात नहीं हो सकता था? बागमा हम क्यों हारे? शांतिर बाजार, चामनु, मनु, तो कृष्णपुर, तो ये सब बात है। और सेकंड बात है, आप प्लीज देखिए नंबर वन चॉइस, आप सर्वे में देख लीजिए, नंबर वन चॉइस फॉर वोटिंग फॉर द तिपरासा पीपल वॉज तिपरा मोथा। आप लोग सब मानते हैं, मानते हैं, आप मानते हैं? नंबर टू चॉइस कौन सा था पार्टी? आप प्लीज देखिए नंबर टू चॉइस कौन सा था? सीपीएम नहीं था, कांग्रेस नहीं था। तो ये स्वाभाविक है कि एक मूव है वहां में। लेकिन मैंने जो किया, अगर तिपरा मोथा आज नहीं होता तो आप देखते कि बीजेपी 50 सीट लेके नंबर टू चॉइस कौन सा था पार्टी? आप प्लीज देखिए नंबर टू चॉइस कौन सा था? सीपीएम नहीं था, कांग्रेस नहीं था। तो ये स्वाभाविक है कि एक मूव है वहां में। लेकिन मैंने जो किया, अगर तिपरा मोथा आज नहीं होता तो आप देखते कि बीजेपी 50 सीट लेके हमने अमित शाह से बात किया था और अमित शाह ने कहा था कि वो अपॉइंट करेंगे। अब अपेक्षा है, अगर वो अपॉइंट करते हैं तो बहुत अच्छा है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर डिले होता है तो वो उनके ऊपर है। लेकिन मैं, जब तक हमारे लोगों को अपना अधिकार नहीं मिलता है, हम लोग मंत्रालय में नहीं बैठेंगे। वी विल सिट इन द ऑपोजिशन। थैंक यू।